हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नेट लाइव क्लास एंड दिस इज अवर कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइव क्लास। तो बच्चों, मेरा नाम आकर्ष गुप्ता है एंड मैं आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन मेंटर टीचर, ठीक है। तो बच्चों, आज हम जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है हमारा 8th of December को, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो HTML है और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे आपसे, तो उसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन से, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आने वाला है, सब रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ बिल्कुल क्वेश्चन के लिए, और बिल्कुल बिल्कुल फाड़ देना है, मतलब समझ रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द HTML टैग आर फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेजेस, ठीक है। तो जितने भी बताओ कि सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं HTML वेब पेज को, ठीक है। अगर HTML में आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहला आंसर क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, हेड टाइटल HTML बॉडी, HTML बॉडी टाइटल हेड। थर्ड ऑप्शन है HTML हेड टाइटल बॉडी, डी HTML हेड टाइटल बॉडी। तो बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या है HTML पेज लिखने का, वेब पेज को लिखने का, ठीक है। फटाफट आंसर आ जाने चाहिए सबके। तो बच्चे, अगर इसको डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अगर किसी भी HTML पेज को लिखते हैं, सबसे पहले वेब पेज करते हैं, तो क्या लिखते हैं, HTML। देन क्या आता है हमारा हेड, क्या आता है, हेड टैग आता है, और हेड के अंदर क्या आता है बेटा, टाइटल टैग का यूज करते हैं हम हेड के अंदर, ठीक है, टाइटल टैग का यूज करते हैं, क्लोज करते हैं टाइटल को, ठीक है, देन हेड को क्लोज करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, फिर बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये करेक्ट सीक्वेंस होता है हमारा HTML का वेब पेज को स्टार्ट करने का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहला टैग क्या है, HTML है, देन हेड है, टाइटल है, देन बॉडी, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, डी, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक सारे बच्चों को पता चल गया होगा, अब जिनको नहीं पता था उनको यहां से पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML, कि अगर आपको HTML वेब पेज के अंदर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, किसी टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो कौन सा टैग यहां पे यूज किया जाता है, बोलिए इसका जवाब दीजिए। चलो, सबको पता होगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, बिना किसी गलती के जवाब आपको देना है, ठीक है। तो आपने कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, अगर हम जिसको डिस्कस करें तो कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, तो क्या क्या टैग्स थे भाई, ठीक है, इटैलिक, अंडरलाइन टैग्स पढ़े थे, बोल्ड पढ़े थे, मतलब अगर हमें किसी लाइन को, किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, तो आई टैग का यूज करते थे, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग टैग का कॉन्सेप्ट है। यू से मतलब अंडरलाइन, अगर आपको किसी टेक्स्ट का अंडरलाइन, किसी सेंटेंस को अंडरलाइन करना है HTML की वेब पेज के अंदर, तो आप यू टैग यूज करते थे, अंडरलाइन यू से। और अगर किसी को बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब क्या है, उस टेक्स्ट की थिकनेस बढ़ानी है, तो वो कौन सा टैग होता था, बी टैग। बी टैग के बीच में आप जो भी लिखते थे, लेट सपोज हमने यहां लिखा दिस इज, तो बी टैग क्लोज करते थे, तो जो ये टेक्स्ट है, जो ये टेक्स्ट है, ये कैसा हो जाता था, बोल्ड हो जाता था, मतलब हाईलाइट टाइप का हो जाता था, जिसमें मोटा थिकनेस होती थी, जो कि आपको अलग से वेब पेज के अंदर दिखाई देता था। तो कौन सा टैग यूज करते हैं बेटा, यहां पे चार ऑप्शन है, प्री, ए, बी, आर। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, इस टैग को हम क्या बोलते हैं, बोल्ड टैग भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा बिना किसी देरी के। तो क्या क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। अगर आपने HTML के अंदर हेडिंग टैग्स पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी हेडिंग टैग कौन सा होता है,
आपको सीक्वेंस भी पता होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। ध्यान से करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, लोगों को नहीं समझ में आती ये बात, बट अगर नहीं भी समझ में आएगी कोई बात नहीं है, डिस्कस करेंगे तब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट की बात कर रहा है, सबसे लार्जेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, अगर हम सीक्वेंस फॉलो करें, हमें पता है कितने हेडिंग टैग होते हैं, 6 हेडिंग टैग होते हैं। जैसे कि क्या बात करें, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो ये हेडिंग टैग्स हैं हमारे, ये 6 हेडिंग टैग्स हैं, मगर इनकी जो साइज होता है वो साइज क्या होता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मींस कि जो साइज सबसे बड़ा साइज होगा, मतलब साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग मतलब जितना बड़ा हेडिंग टैग होगा, जैसे H6 है, मतलब सबसे बड़ा है ये अगर देखो तो H6, बट इसकी जो साइज होगी, जो साइज होगी हेडिंग की, वो सबसे छोटी होगी, तो डिक्रीजिंग होता है। साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे बड़ा जो टैग होता है, लार्जेस्ट होता है, वो कौन सा होता है, H1 होता है हमारा, उसके बाद H2 होता है, उसके बाद H3 होता है, फिर H4, H5, H6 होता है। तो सबसे बड़ा याद रखना H6 और सबसे बड़ा H1 और सबसे छोटा H6, ठीक है, याद रखिएगा। तो H1 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग इंसर्ट करनी है आपको, ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। भाई अगर आपको लाइन ब्रेक करानी है, अगर HTML वेब पेज के अंदर आपको लाइन ब्रेक करानी है, लेट सपोज कि अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट के नीचे आप चाहते हो कि उसके नीचे से लिखा जाए, ठीक है, एक लाइन ब्रेक हो जाए, तो बताइए कौन सा टैग यूज करते हैं हम, ठीक है, कौन सा टैग यूज करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। चलो गलत नहीं करना है, तो बेटा अगर हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन क्या है कि भाई लाइन ब्रेक करना, तो हमें पता है लाइन ब्रेक टैग के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ब्रेक लाइन, BR, मींस BR का मतलब क्या है, ब्रेक, BR का मतलब क्या है, ब्रेक। मीन्स अगर आप कोई सेंटेंस यूज कर रहे हो, अगर आप कोई सेंटेंस यूज करो, पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हो, लेट सपोज पैराग्राफ टैग के अंदर आप कुछ लाइंस लिख रहे हो, बट आप चाहते हो कि लाइंस ब्रेक करके लिखना चाहते हो, अलग अलग एक एक लाइन करके लिखना चाहते हो, जैसे पोएम्स लिखी जाती है, कहां, जैसे कि आप कभी इंटरनेट पे पोएम्स पढ़ते हो, तो पोएम्स कैसी होती है, लाइन बाय लाइन पोएम्स होती है, तो वो पोएम्स को अगर आप लिख रहे हो वेब पेजेस के अंदर, तो वहां पे BR टैग का यूज करते हैं, मीन्स लाइन बाय लाइन में, ठीक है। और ये BR टैग की एक और खासियत है, ये एक एम्प्टी टैग है, क्या है, एक एम्प्टी टैग है, मींस एम्प्टी टैग आर दोस टैग्स जो कि ना, जो क्लोज नहीं होते, जिनकी ओपनिंग तो होती है बट क्लोजिंग नहीं होती है, और कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग भी होती है और ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। कि जैसे अगर बात करें तो पैराग्राफ टैग कैसा है, इसकी ओपनिंग भी है और इसकी क्लोजिंग भी है, तो यह भी याद रखना है, यह भी बात याद रखनी है कि BR टैग कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, BR, अगर आपको लाइन ब्रेक इंसर्ट करनी है HTML के अंदर, ठीक है, तो BR टैग का यूज हम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। अगर आपको HTML के अंदर इमेज इंसर्ट करनी, तो इसका करेक्ट कोड क्या है, देखो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें। चलिए तो डिस्कस करते हैं अगर इसको हम, तो सबसे पहले पता है हमें कि इमेज इंसर्ट करनी है, तो इमेज के लिए हमने आपको पता होगा कि इमेज टैग होता है, एक IMG टैग होता है, ठीक है। और इमेज कैसे इंसर्ट होती है,
इमेज कैसे इंसर्ट होती है, बिना सोर्स प्रॉपर्टी के। तो आईएमजी टैग के साथ हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसका नाम होता है सोर्स, एसआरसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोर्स प्रॉपर्टी। मींस इस एसआरसी प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या करते हो, इमेज का पाथ पास करते हो, जो भी इमेज आपको एचटीएमएल के अंदर पेज के अंदर वेब पेज के अंदर इंसर्ट करनी होती है, एम्बेड करनी होती है, तो वो एसआरसी में आप उस इमेज का पाथ पास करते हो। ठीक है, पाथ इस क्लोज एंड क्लोज डबल कोट्स के अंदर होता है, एंड क्लोज डबल कोट्स के अंदर होता है, देन हम टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, देन हम टैग को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहां पे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, यहां पे मिलता जुलता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि क्या होता है, रिसोर्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये सारे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर इंसर्टिंग अ इमेज इन अ एचटीएमएल कोड। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा, बहुत आसान बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। कि भाई अगर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाते हो, जैसे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है, उसमें से आप सेलेक्ट करते हो ऑप्शंस, तो वो ड्रॉप डाउन होता है। तो बताइए कौन सा, जो ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन क्रिएट करना होता है, तो कौन सा टैग सही होता है। ठीक है, बोलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेलेक्ट, दूसरा क्या है, लिस्ट, तीसरा ड्रॉप डाउन, डी ऑप्शन, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं बेटा ड्रॉप डाउन। पहले ड्रॉप डाउन क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आप फॉर्म्स देखते हो, आप एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे एक ऐसा ड्रॉप डाउन होता है, जैसे कि लेट सपोज सिटी नाम का एक बॉक्स बना है, उसमें कुछ ऐसे एरो बना होता है, अगर इस एरो पर क्लिक करते हो कि जो सिटीज है, कई सारी सिटीज आपके सामने नाम खुल के आती है, हम इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स। और जब क्लिक करते हो एक लिस्ट खुल के आती है, कई सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है एचटीएमएल फॉर्म्स के अंदर, कैसे करते हैं, सबसे पहले तो सेलेक्ट टैग होता है, सेलेक्ट टैग होता है, उसके अंदर हम ऑप्शंस टैग यूज करते हैं ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस बनाने के लिए। आप यहां पे ऐसे कानपुर लिखते हो और इसको बंद करते हो ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्रिएट कर देगा उस ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर, ये टैग ऑप्शंस क्रिएट करता है। आप जितने ऑप्शन चाहो उतने ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो अपने ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन टैग का हम यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट, जिसको आप सेलेक्ट कर सको। तो अब अपन का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो तो आई थिंक क्लियर होगी ये बात सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है, द एचआर टैग इन एचटीएमएल यूज्ड फॉर। भाई ये एचआर टैग है, इसको हम एचटीएमएल में क्यों यूज करते हैं, तो बताओ। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, न्यू लाइन, बी क्या है, वर्टिकल रूलर, सी न्यू पैराग्राफ, डी हॉरिजॉन्टल रूलर। तो बताइए भाई एचआर टैग का यूज, चलो तो एचआर टैग, जैसे हमने अभी बीआर टैग पढ़ा था वो लाइन ब्रेक करता था, एक एचआर टैग होता है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। मतलब कि ये टैग करता क्या है, ये टैग आपके पैराग्राफ्स को, आपके वेब पेजेस को डिवाइड करने में, सेक्शंस में डिवाइड करने में काम आता है। ठीक है, आप चाहते हो कि अपने वेब पेजेस को सेक्शंस में डिवाइड करो, तो वहां पे एचआर टैग का यूज हम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे कि एक वेब पेज है हमारे पास, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रूल ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, एचआर टैग यूज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अच्छा एचआर टैग, ठीक। ठीक है, एचआर टैग, तो ये वेब पेज है आपका। क्लियर, समझ आ गई होगी बात। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML। भाई कि HTML का जो वेब पेज है उसमें अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, क्या लगानी है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो यहां पे कौन सा सिंटेक्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों में से सही ऑप्शन आपको देखना है। बताओ, देखिए बच्चे, अगर आपको बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है आपका, जैसे कि लेट सपोज ये हमारे पास एक वेब पेज है, हमारे पास एक वेब पेज है ये हमारा, ठीक है। अगर आपको उसके बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है तो भाई हमने बताया एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड, और उस प्रॉपर्टी को हम यूज कहां करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। अगर आप उस प्रॉपर्टी को बॉडी टैग के अंदर यूज करोगे और तो क्या होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, इमेज का पाथ पास करना है, जो भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहां क्या होगा, बॉडी। ये बॉडी टैग है हमारा, ये हमारी क्या है, एट्रीब्यूट है, जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना है, वो इमेज का पाथ पास करना है जो इमेज आपको इस बैकग्राउंड में सेट करनी है। तो जो करेक्ट सिंटेक्स होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में, वेब पेज के बैकग्राउंड में बॉडी, बैकग्राउंड में इमेज सेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है, हो गया, ये भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट इन द HTML। भाई इसमें बताना है कि क्या टाइप होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप कौन कौन से होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में आप सबको पता है, ठीक है, और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, कौन से टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट के। पहला ऑप्शन डिस्क स्क्वायर ट्रायंगल, बी पॉलीगन ट्रायंगल सर्कल, सी डिस्क सर्कल स्क्वायर, डी ऑल ऑफ द अबव। चलो डिस्कस करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिनमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता, मींस कोई न्यूमेरिकल ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो, जैसे कि 1 2 3 ABCD या रोमन नंबर्स में फॉलो, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अगर आपने देखा हो HTML वेब पेजेस के अंदर ऐसे करके कुछ लिस्ट क्रिएट होती है, यहाँ ऑप्शन होते हैं ऐसे, मैंने लिख दिया एप्पल, ठीक है, मैंगो, ठीक है, पाइन एप्पल। तो ये क्या है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये क्या यूज कर रही है, बुलेट यूज कर रही है, बुलेट यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है, बुलेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर, ऐसे स्क्वायर्स के अंदर भी होते हैं, डिस्क भी बोलते हैं, ऐसे हम डिस्क भी बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, ऐसे स्क्वायर्स भी होते हैं, या ऐसे सर्कल्स भी होते हैं ऐसे करके, और आपको दिया होता है, यही सपोज लिस्ट है एप्पल, सेम मैंगो, ठीक है, और पाइन एप्पल। तो ये वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्क्वायर, और इन वालों को बुलेट भी बोलते हैं और डिस्क भी बोलते हैं, डिस्क डिस्क, और इन वालों को हम बोलते हैं सर्कल, जो कि फिल नहीं होते हैं, जो कि फिल नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, डिस्क सर्कल स्क्वायर, ये टाइप है किसके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के, ठीक है, क्लियर। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। भाई लोअर केस लेटर लिस्ट बनानी है, मतलब जो लिस्ट स्टार्ट हो हमारा लोअर केस हो, जैसे अपर केस अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, लोअर केस ऑर्डर होते हैं, न्यूमेरिकल ऑर्डर होते हैं, तो बताना है इसमें, बोलिए। और यहां बात हो रही है ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो सही ऑप्शन आपको चूज करना है इन सब में से।
चलो डिस्कस करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम एक लिस्ट बना ली, लेट सपोज हमारे पास एक लिस्ट है ए बी सी डी करके, और ऑप्शंस हैं ऐसे कुछ करके, कोई भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। ठीक है, ये लिस्ट है, एक लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है। तो भाई इसमें जो ऑर्डर है वो कैसा, लोअर केस अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। कैसा है? लोअर केस अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। और ये लिस्ट कैसी है? ऑर्डर्ड लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट है ये, ठीक है बेटा। तो देखो इसका जो क्या है, इसका सिंटैक्स क्या होगा। इन्होंने कहा है कि भाई लिस्ट स्टार्ट हो रही है ए से, तो भाई ऑर्डर्ड लिस्ट के दो टाइप, दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक टाइप एक स्टार्ट। तो हम यहां पे जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टाइप की, मतलब जो लिस्ट का टाइप कैसा है कि वो लोअर केस अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो ये ओएल टैग हमारे लिए ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, उसका टाइप क्या पास करेंगे, ए। तो आवर करेक्ट आंसर इज नंबर बी। सही समझ आई बात, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में इसमें एक और एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, स्टार्ट। एक एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। वो बताता है कि आप अपनी लिस्ट को किस, कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 1 2 3 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 4 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, या बी से, सी से, डी से। पहला जो लिस्ट का एलिमेंट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट एट्रीब्यूट बताता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन इस तरह से भी आएंगे, ठीक है। चलो तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचटीएमएल टॉपिक के अंदर, ठीक है, हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों ये क्लास कैसी लगी आपको, जरूर से जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है बेटा आपको, ठीक है। चलो तो ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे आपके सामने, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम्स मिलेंगे, क्लोज हैं, ठीक है। और ये क्लास जो है वो सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए थी, जिसका कोड 165 है, ठीक है, फॉर क्लास 10th CBSE बोर्ड। तो चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड धन्यवाद।